अच्छा बाबा, सिर्फ एक मौका दिया, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। अगर तुम इस बार विशाखा को गलत साबित नहीं कर पाए तो तुम कभी भी उस पर शक नहीं करोगे। वादा? सुरभि। अरे शांति, तू आ गई? लो खाना भी आ गया। थैंक यू शांति। लो सुरभि खाना खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, भूख लगी होगी ना? लेकिन कार्तिक, आपने भी तो कुछ नहीं खाया ना? अरे हाँ, देख तेरे चक्कर में मैं भी भूल गया, हम तीनों मिलके खाते। शांति चला जाए। दादा मैंने खाना खा लिया। अरे कोई बात नहीं, बैठ तो सकती है, कंपनी दे दे, आ जा। चल सुरभि। है जो ये नाता दोस्ती का, निभाऊं ये वादा, करता हूँ तुझसे चाहे तो मिट जाए मेरे निशान। हाँ वादा रहा कि तुझसे मेरा, ये वादा रहा। कार्तिक चाहे जो भी हो जाए, मैं आपकी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। विशाखा दी की सच्चाई सबके सामने ला के ही रहूंगी। डरा दिया मेरे को तूने। क्या ताई, तेरे प्लान की बराबरी की पार्टनर हूं मैं, और तू है कि अकेले के लिए दारू पी रही। इतनी मेहनत करी है मैंने तेरे लिए, हाँ एक पैक तो बनता है ना। चल एक पैक मेरे लिए भी बना, और हाँ मीठा, बड़ी अच्छी लगती है मेरे को। बढ़िया है इसका तू। अबे तू आदर्श पति की आदर्श बीवी बनने वाली है, तू दारू पिएगी। ताई तू तो ऐसे बोल रही है कि मैं जिंदगी भर तक उसके साथ में रहने वाली है। अरे आज कार्तिक तो कल कोई और, परसों कोई और, फिर कोई और। मुझे क्या फर्क पड़ता है वैसे भी। जिंदगी भर का तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन जब तक मेरे को कार्तिक के हिस्से का 50% नहीं मिल जाता तब तक तो ये नाटक करेगी। ताई ए, ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रही है मेरे को? हाँ इतना बड़ा प्लानिंग मैंने ऐसे ही नहीं किया है, समझी ना। किस किस को पैसा खिलाया है तेरे को मालूम है क्या? एनजीओ वाला, वो तेरा पुलिस वाला, रिपोर्टर, अरे वो गुंडे। इतना सब मेहनत किया तब जाकर मेरे को मेरी मेहनत का फल मिल रहा है। मैं तेरे को कार्तिक की जिंदगी में इसलिए लेकर आई है ताकि सुरभि को कार्तिक की नजर में गिरा सकूं, और सुरभि और कार्तिक को हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर कर दूं। ये कैसा है? अच्छी तो है। हा? मैं चाय भेजती हूँ सबके लिए। हाँ ले क्या, अदरक डालना। हाँ
अरे सुरभि, काकी मंदिर? अरे वो आज ताई मंदिर की साफ सफाई करवा रही है और बापा के सब गहने भी आज पॉलिश के लिए गए हैं, शाम को मिलेंगे, शाम को ही पूजा कर लेना। ए सुरभि, इकड़ी है ना बड़ा, मेरे पास आ। ये देख भटजी आए हैं विशाखा और कार्तिया की शादी का डेट फिक्सिंग करने को। अभी तेरा 50% का पार्टनर जो है ना, वो विशाखा का 100% का हस्बैंड बनने वाला है। बस एक बार पंडित जी मेरे को डेट बता दे तो फिर ये गहना वहना कपड़ा उपड़ा सब फाइनल कर देगी रे मैं। ए पंडित, दिवाली के पहले का मुहूर्त निकालने का है। क्या है ना, मेरे जितने भी आधे अधूरे काम है ना, मेरे को सब निपटाने हैं। दिवाली से पहले शादी? सुरभि, किधर खो गई तू? हाँ, क्या सोच रही है? जा जाके कार्तिक और विशाखा को बुला कर ले क्या? क्या है ना, अभी उनकी शादी है तो उनके हिसाब से ही मेरे को सब कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरे को बम मारेंगे दोनों। क्या लेकर आ रहे? तू बस देखती जाओ क्या हाल बनाती हूँ मैं इस कार्तिक का। तुम्हारी आंखों के सामने मैं कार्तिक को खत्म कर दूंगी और तुम बस देखती रह जाओगी। आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है और देखो रेडीमेड पति मिल गया मुझे। और वो भी करोड़पति। मुझे जल्द से जल्द विशाखा दी की सच्चाई कार्तिक के सामने लाने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। सुरभि, तुम? अरे सुरभि, अंदर आ। क्या हुआ? कार्तिक वो। एक्चुअली सुरभि, जल्दी जल्दी में मैंने ये शर्ट पहन ली, देखा इसका बटन टूटा हुआ था, विशाखा ने बोला कि मैं स्टिच कर देती हूँ। थैंक्स विशाखा। कार्तिक, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब आपके और मेरे बीच में कोई थैंक यू नहीं, आप जब चाहे जो चाहे मुझसे करवा सकते हैं। एक सेकेंड विशाखा, एक्चुअली मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। कार्तिक, आदत नहीं है तो डाल लीजिए। अच्छा सुरभि, तेरी बात तो अधूरी रह गई थी, बोलना क्या हुआ? कार्तिक, वो ताई आपको बाहर बुला रही थी, पंडित जी आए हैं आप लोग की शादी का मुहूर्त निकालने। क्या शादी का मुहूर्त? अरे लेकिन मैं अभी शादी नहीं कर सकता। शादी नहीं करनी मतलब? अरे यार तू समझ नहीं रही है, एक काम करते हैं बाहर चलकर सबसे मिलके बात करते हैं, यही अच्छा होगा। चल। एक मिनट रुक, आप लोग जाइए, अपन इसका हिसाब बाद में करेंगे, फैमिली मैटर है, जाइए जरा। ताई। ए,
काय को नहीं करेगा शादी, तू पहले ये बता मेरे को। मेरी बात समझने की कोशिश करो। पहले हेमा दी है, फिर बिंदु दी है, फिर मैं। सबको सेटल कराने के बाद ही मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। और ताई, मैंने आपको वादा किया था ना, अपने से पहले आपके परिवार के बारे में सोचूंगा। And I'm sure, विशाखा भी ये समझ रही होगी। विशाखा, अगर मैंने तुमको बोला है मैं तुमसे शादी करूंगा, तो डेफिनेटली करूंगा। बट आई नीड सम टाइम। लेकिन कार्तिक, इन हालातों में तुम भाई, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। ताई की फैमिली मेरी प्रायोरिटी है। कार्तिक, निभाड़ा कोई भी वादा तेरी जिंदगी और तेरी खुशी से बढ़कर नहीं है ताई के लिए। एक मिनट रुक। देख, मैं इस गीता पे हाथ रखती है, मैं इस गीता पे हाथ रख के बप्पा को साक्षी मानकर शपथ लेती है, आज इसी वक्त मैं मेरे कार्तिया को हर वादे से मुक्त करती हूं। लेकिन ताई, तू जी रहे अपनी जिंदगी, कर शादी। और रही बात जिम्मेदारी की, मेरे को मेरे कार्तिया पे पूरा भरोसा है, चाहे वादा हो चाहे ना हो, मेरा कार्तिया मेरे परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। भरोसा है मेरे को तेरे पे। और फिर शादी तू करेगा, लेकिन तू देखना, तेरे से ज्यादा खुशी मेरे को होगी। चल अभी फटाफट सबके सामने हाँ कर। अब तो तुझे कोई परेशानी नहीं है ना कार्तिक? ये चल रहे पंडित, चोपड़ी खोल आनी है, एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल मेरे कार्तिया की शादी के लिए। वो तो कब का निकल गया ताई, बहुत जल्दी का मुहूर्त है, कल ही साकर पूरा और दो दिन में शादी। इसके बाद कोई शुभ मुहूर्त नहीं। अरे लेकिन ये तो बहुत जल्दी हो गया, तैयारी वगैरह सब कब करेंगे? अरे लता, तू काय को टेंशन ले रही है, अपने को कोई तामझाम थोड़ी ना करने का है। नहीं, मेरा मतलब है कि अपुन घर के चार पांच लोग होंगे, यानी दूल्हा दुल्हन और ये पंडित, तो पहले अपुन ये फेरे का मैटर खत्म कर देंगे, उसके बाद देंगे ना एकदम मस्त पाई की रिसेप्शन सबको। क्या कार्तिया, ठीक है ना तेरे लिए? जी ताई, जैसा आपको ठीक लगे। इतनी जल्दी मैं विशाखा दी का सच सबके सामने कैसे ला पाऊंगी? ये मुबारक हो रे लता। ना कुछ भी चाहा ना मांगा ना कोई की दुआ, फिर भी किस्मत ने हाले से एक साथी दे दिया। अब ये दिल कशना था, मंजिल का
काटे तेरा हाथ तो दे रहे। खूब सांगली जोड़ी है रे, किसी की नजर ना लगे तुम लोग को, खुश रहो। ला रे मिठाई दे फटा दे। मुबारक हो। अहिला सुरभि का तो मुंह ही मीठा करना भूल गई। ये सुरभि ये ले रे मुंह मीठा कर, काट्या की शादी फिक्स हो गई है। इसका फोन, इसको भी अभी फोन करना था। अरे विशाखा फोन तो ले अपना, देख कौन है। जी वो एक्चुअली मास्टर जी का फोन आ रहा है। मैं सोच रही हूँ उनको बधाई दे दूँ तो वो खुश हो जाएंगे, है ना? हाँ जा जा। भूकंप! अरे क्या हेमा जी, हमारी दुनिया हिला रही हैं आप। अब भी हमसे नाराज हो? नाराज आपसे? अरे हम तो इस रोमांटिक सिचुएशन को लेकर हैरान हैं। जरा सोचिए, हम हीरो हैं, आप हीरोइन, और हीरो हीरोइन का दिल जीतने के लिए इम्तिहान पे इम्तिहान दिए चला जा रहा है, और उसको ये नहीं पता कि हीरोइन के मन में क्या चल रहा है। पिंक क्या लाल? क्या? नहीं मेरा मतलब है कि मैं कार्तिक की शादी में पिंक कलर का लहंगा पहनूं या लाल कलर का? अब बस बहुत हो गया है माजी। देखिए हम आपको क्लियर कट बताई देते, हमको हो गया है आपसे प्यार। अब आप भी बता दीजिए, आपकी हाँ है या ना? हमें तो आपसे कल ही प्यार हो गया था। क्या? जब आपने हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, मेरे लिए भूखे रहे थे ना। I'm impressed. क्या? मतलब ये तो कमाल हो गया है? हीरोइन पट गई? वाह! लेकिन एक समस्या है हिमाच, वो गब्बर सिंह कभी हम दोनों को एक नहीं होने देगी। हाँ सो तो है। अरे क्या सो तो है? अच्छा देखो, हमने इस समस्या का तोड़ निकाल लिया है। आज रात को 10 बजे भाग चलते और मंदिर में जाके शादी कर लेंगे। आइला सच्ची? हाँ। घर से भाग कर शादी? मुझे तो ना वो कयामत तक वाली फीलिंग आ रही है। मैं रात को ना रनिंग शूज पहन के रेडी रहूंगी, तुम भी रेडी रहना। हम दाना डालें और मछली ना फंसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस घर के दामाद तो हम बन के रहेंगे। धूप? अरे इतने बड़े घर का दामाद और इतनी घटिया चाय है? फिल्टर कॉफी पिएंगे हम। बोल क्यों बार बार फोन कर रहा है? तेरे को कोई शौक नहीं है तेरे को फोन करने का? रात का रिमाइंडर देने को फोन किया है, तेरा शो है। आज रात को? नहीं नहीं मैं नहीं आ सकती आज रात को। नहीं आ सकती? एडवांस खाकर बैठी है तू। एडवांस दिया है ना, ठीक है वापस कर दूंगी। भूल गई क्या? ए देख नाटक मत कर, तेरे को पैसा नहीं उन लोगों को तू चाहिए। 2 घंटे परफॉर्म कर और निकल ले। मैंने कहा ना अब ना बोलने की सोचना भी मत, वरना या तो उठा कर ले जाएंगे या फिर हमेशा के लिए उठवा देंगे।